किसी भी देश में जहाँ हिंसा होती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब लोगों को टारगेट करके मारा जाता है या उन पर एक जानबूझकर आक्रमण किया जाता है तो उसको तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर हिंदुओं पर वहाँ पर हमले हो रहे हैं तो भारत सरकार को निश्चित रूप से ये मुद्दा उठाना चाहिए। किसी देश के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कोई हमारे मामले हस्तक्षेप करे, लेकिन अगर हमारे निकट बॉर्डर पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख हम लोगों को होता है। और जो डिप्लोमेटिक तरीके से बात उठाकर सरकार को सचेत करना पड़ेगा कि ऐसे अगर मारामारी होगी तो बड़ा गलत संकेत जाता है, तो मैं तो उसको कंडेम करता हूँ और इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। अच्छा अनुभव रहा, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पुराने कार्यकर्ता भी हैं रतन बैरवा जी, उन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले, सुलाया खिलाया, बहुत दिल से रोटी सब्जी बनाई और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और ये कल का जो दिन था और कल की रात बहुत यादगार रहेगी मेरे लिए। कह रहा हूँ कि सरकार के अंदर से जब मंत्री हैं उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, प्रशासन पुलिस काबू में नहीं है, अफसरशाही हावी है, तो सरकार को अपने आंखों कान खोलने चाहिए। 12 महीने हो गए और जनता के दिमाग पर यहाँ काम कर कोई मोहर सरकार लगा नहीं पाई है। और मैंने बहुत कम देखा है कितनी जल्दी लोगों का जनता का मन उठ जाए सरकार से। देखिए बीजेपी सरकार 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही, किस तरह देख रहे 1 साल को? भाई मैंने कहा ना, सरकार जब बनती है उम्मीदों के साथ बनती है। अब 1 साल पूरा हो गया, 12 महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण ठप पड़ा है, जो बजट घोषणा की थी पूरी नहीं की है, 4 लाख नौकरी का वादा किया था कितनी नौकरी मिली है, तो किसान परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, लगातार हत्याकांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, जोधपुर में जो हुआ तब भयानक कांड हुआ उसका कोई जांच सौंप दी गई है, तो सरकार का नियंत्रण नहीं है, मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, अफसरशाही हावी है और 12 महीने में ही जनता का मोहभंग हो चुका है। ये बीजेपी का उनकी सरकार का अंदरूनी मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं जितना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनको राजस्थान के अंदर आकर जो पुराने वादे किए थे पूरा करना चाहिए, और जो भी हम आगे रास्ता अख्तियार रहे हैं उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। जो ERCP का मुद्दा है, पुराना मुद्दा है, हमारी सरकार ने बहुत उस पर काम भी किया था, अब अगर दोबारा उस पर कुछ आगे बढ़ने का मौका आया है तो बताएं कि किस वर्ग को कितना पानी होगा, कितना सिंचाई का है, कितना उद्योग का है, कितना पीने का है, कितना मध्य प्रदेश को मिलेगा, कितना हमें मिलेगा, मालूम ही नहीं है। तो सदन के अंदर हमने मांग रखी थी कि MOU को प्रस्तुत करें, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।